कल के क्लास में हम बताए थे कि ऑड इंटीजर आइदर 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म का होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अब उतना लिखेंगे हम नहीं थोड़ा। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कल फर्स्ट केस में एज इक्वल टू 4q था तो इसको हम 2 × 2q लिखे थे, तो 2 × something का मतलब क्या हो गया, ये इवन हो गया, डायरेक्ट लिख दिए थे। एक स्टेप और बढ़ा के इसको 2 × m लिख सकते हैं, 2m where m is equal to 2q। ये जो 2q था उसको हम m से रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये 2q जो हो गया, कंडीशन डाल दीजिए। अब 2 × m मतलब 2 × something, बात वही है, यहाँ पे लिख दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। सेकेंड केस था, सेकेंड केस में 4q+1 था तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं 2m+1। इसके जगह पे जो 2 × something रहता है ना, तो समथिंग के जगह पे कुछ दूसरा भी मान लीजिए एम हो जाएगा। एक केस में 4q+2 था तो इसमें से हम 2 कॉमन किए थे तो 2q+1 आया था, तो ये भी 2 × था, इसको भी नेक्स्ट स्टेप पे 2m ही लिख दीजिए। लेकिन यहाँ क्या लिखना होगा कि m इज इक्वल टू क्या होगा, 2q+1 होगा। यहाँ 2q को m लेट कर लिया, इस केस में 2q+1 को m लेट कर लिया। 2 × something मतलब 2 × m, तो इसको m से रिप्रेजेंट कर दीजिए। किसी किसी बुक में इसको m लिख दिया जाता है तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगला केस था 4q+3, तो इसको हम 4q+2+1 में ब्रेक किए थे और 2 कॉमन किए थे तो 2q+1+1। फिर यहाँ लिख दिए थे इवन प्लस, तो एक स्टेप आप और बढ़ाइए ना, इसको 2 × है तो इसके जगह m लिख दीजिए 2m+1, वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q+1। अब देखिए 2 × something+1 तो 2 × something भी है ना, इवन प्लस वन और होगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा के थोड़ा सा एम से रिप्रेजेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं बुक में एम से आया था, एक दो बच्चा का आया था मैसेज, तो कंफ्यूज नहीं करना है। किसी किसी बुक में मिलेगा यही क्वेश्चन कि आइदर ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3, अब वहां क्यू ना कहा कि एम कह देगा, तो ये जो हम लोग कोसेंट को क्यू लिए थे, तो कोसेंट को क्यू ना लेके हम लोग एम ले लेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा 4m+0 डेट मीन्स 4m होगा, सेकेंड केस मेरा 4m+1 होगा, तो किसी किसी बुक में क्यू ना कह के एम कह देगा 4m+1 और 4m+3, तो हम लोग कोसेंट को एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। तो आइए क्वेश्चन और क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे कहा जाएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर आइदर 6q और 6q+2 और 6q+4। कल फोर वाला बताया था, फोर वाला केस में क्या था कि इवन जो होगा, ऑड वाला डिस्कस किया था, इवन वाला डिस्कस कर लेते हैं। कल फोर वाला था, 4m+1 और 4m+3, आज इवन वाला केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि इवन नंबर जो होगा वो या तो 6q के फॉर्म का होगा, या 6q+2 के फॉर्म का होगा, या 6q+4 के फॉर्म का होगा। मतलब 6q का मतलब क्या हुआ, 6q+0, मतलब किसी भी इवन इंटीजर को, इवन पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 2 होगा, या तो रिमाइंडर 4 होगा। यही क्वेश्चन है कि किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 2 होगा, या तो रिमाइंडर 4 होगा। ये शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम केवल समझा देते हैं आपको, कल लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, कोई लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 6 का क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, 6 से कम होगा। कल समझाया तो वो सब बढ़िया से लिख लीजिएगा, कल जैसे लिखे थे वैसे ही लिख लीजिएगा। तो केस फर्स्ट में रिमाइंडर को 0 लीजिएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × q+0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 6q। 6q में से देखिए 2 बाहर कीजिए, 2 × 3q, तो बताइए 2 × फिर समथिंग, 2 × एक स्टेप पर आइए, इसको 2m लिखिए, वेयर m इज इक्वल टू 3q। तो देखिए 2m मतलब 2 × something, तो 2 × something क्या होगा, इधर वेयर m इज इक्वल टू 3q
यहाँ लिख दे नीचे इट इज एंड इवन नंबर। जब रिमाइंडर जीरो लिया तो हम लोग को क्या आ गया इवन नंबर, ठीक है। केस टू, केस टू में रिमाइंडर को वन लीजिए तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू को फिर टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन। देखिए टू इंटू थ्री क्यू कहाँ लिख रहा है, थ्री इंटू टू क्यू लिखिएगा तो यह कोई गारंटी नहीं है कि इवन हो। बताए थे ना कि आगे हमको इवन के लिए टू चाहिए, तो फिर इसको टू इंटू समथिंग है तो इसको टू एम कर दीजिए प्लस वन, यहाँ फिर लिख दीजिए कि मेरे एम इज इक्वल टू थ्री क्यू। अब बताइए टू इंटू समथिंग इवन प्लस वन, तो यहाँ लिख दीजिए कि इट इज एन ऑड नंबर। ध्यान दीजिए 2m है तो 2 इंटू है तो वो इवन होगा, 2 इंटू समथिंग प्लस 1 है तो वो ऑड होगा। फिर रिमाइंडर 1 के जगह अब 2 लीजिए तो 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। सब केस को एक्सप्लेन करना है तो 6q प्लस 2 है तो देखिए पूरे में से 2 कॉमन करिए तो 3q प्लस 1, तो देख रहा है 2 इंटू समथिंग, तो 2 इंटू समथिंग तो 2m लिख लीजिए। लेकिन यहाँ डाल दीजिए कि m क्या हो गया तो m जो है वो 3q प्लस 1 है, बस ये केवल लिख लेना, ज्यादा मतलब नहीं है। तो देखिए फिर 2 इंटू एम है तो 2 इंटू एम क्या हो गया इट इज एन इवन नंबर। तो जब रिमाइंडर 0 था तो इवन आया, जब रिमाइंडर 1 है तो ऑड आया, जब रिमाइंडर 2 है तो इवन आया। इसी तरह रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 का डिस्कस कर लेते हैं। तो रिमाइंडर 3 लीजिएगा तो ये 6q प्लस 3 होगा, होगा तो इसको 6q प्लस 2 प्लस 1 कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए तो 3q प्लस 1 अब प्लस 1। अब इसके जगह पे m लिख दीजिए तो 2m प्लस 1। देखिए रिमाइंडर, जब रिमाइंडर 3 लिए तो ये क्या आ गया ऑड आ गया, रिमाइंडर 4 लीजिए तो रिमाइंडर 4 लीजिएगा तो 6q प्लस 4 आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए 3q प्लस 2। तो देखिए फिर 2 इंटू समथिंग तो 2m आ गया, तो ये क्या आ गया इवन आ गया। इसी तरह रिमाइंडर 5 ले लीजिए, रिमाइंडर 5 लीजिएगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 होगा, कि 5 को ब्रेक कीजिए 4 प्लस 1 में और 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 2, 2 इंटू 3q प्लस 1। तो देखिए फिर ये 2 इंटू तो 2 इंटू तो 2m कर दीजिए बट ये प्लस 1 रहेगा, और यहाँ लिख दीजिए कि वेयर m, तो m यहाँ क्या है तो m जो है 3q प्लस 2, तो 2m प्लस 1 क्या हो गया ऑड हो गया। तो ऑड कब कब आया, जब रिमाइंडर 1 था 3 था या 5 था। इवन कब आया, जब रिमाइंडर 0 था 2 था और 4 था, तो एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में वही कल की तरह लिखना है कि फ्रॉम एबव एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम एबव एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियर दैट, ठीक it is clear that even integer or even positive integer is either of the form, even कौन कौन केस में आया था, जब रिमाइंडर 0 लिए थे तो 6q, जब रिमाइंडर 2 लिए थे 6q plus 2, जब रिमाइंडर 4 लिए थे तो 6q plus 4। इसी क्वेश्चन में कहेगा कि odd, तो एक्सप्लेन कर दिए, तो यहाँ खाली लिख दीजिएगा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड कब आया था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ऑड और इवन दोनों का एक्सप्लेनेशन तो यही सेम है, केवल लास्ट में जो रिजल्ट लिखते हैं इसको खाली लिखने में थोड़ा सा चेंज करना है। तो बात समझ गए होंगे, कल का वीडियो ध्यान से समझिए, आज हम कल के बेसिस पे ही शॉर्ट में समझा दिए हैं, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग खुद से करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सो डैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर, एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 2। और दूसरा सो डैट, इसमें कल ऑड वाला हम समझाए थे और इवन वाला आ जाता, सेम वही करना है प्रोसेस, खाली लास्ट में लिखते समय चेंज कर देना है। सो डैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर,
each either of the form 6q+1 or 6q+3 और 6q+5। इसमें अभी इवन वाला डिस्कस किए थे, ऑड वाला आप कर लीजिएगा। इसमें ऑड वाला कल हम डिस्कस किए थे, इवन वाला आप कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ आप पहुंचिएगा 6q+3 पे, तब क्या कर देता है बच्चा सब कि इसको ऐसे कर देता है, देखा कि आगे 3 है तो लिख दिया और, जो कि सरासर गलत है। आगे 3 होने से बताया था शुरू में ही, आगे 3 होने से और कैसे होगा, देखिए 3 × 1 3, 3 × 2 6 इवन हो गया, 3 × 4 12 इवन हो, तो आगे 3 होने से ये ऑड नहीं हो जाएगा, गलत प्रोसेस है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन ऐसे करना होगा, 2 कॉमन करेंगे, 3q+1+1, अब ये 2 इंटू आया तो 100% है कि इवन होगा, अब प्लस 1 तभी ऑड होगा। तो 6 वाला एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, कल इसी दोनों क्वेश्चन को हम फिर डिस्कस करेंगे, इसको कर लीजिएगा कल वाला वीडियो का क्वेश्चन और आज वाला, ये चारों को लिख के एक बार कीजिएगा, एक बार लिखिएगा खुद से, उसके बाद कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। थैंक यू।